लुक रहे हेलो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज माय मेन मानो एंड कैसे हैं आप सब. आई होप आप सब अच्छे होंगे और ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग गुड इन योर लाइफ. और आज का दिन शुरू करते हैं. आज ये बहुत सुबह जग चुकी हैं. जगने के बाद इन्होंने तो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था ऑलरेडी. फिर इनको शांतनु थोड़ी देर घुमाए टहलाए हैं. ये अभी अपना सब सुबह का करके तैयार है, बिल्कुल दूध दूध पी करके सेट है. और देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं पतिदेव कहाँ है आज. और जिस दिन ये सुबह उठ जाती है उस दिन मुझे खुशी होती है, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि मैंने नहीं सोची होती है. जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है. देखो हु इज इन द किचन. कोई इंसान अगर एक दिन किचन में आ जाए तो उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ही किचन में रहता हूँ. ठीक है, फिलहाल ये बॉटल साफ कर रहे हैं बच्चे की. क्या कहना चाहेंगे? बॉटल साफ कर रहा हूँ ये कहना चाहूंगा और मैं हूँ खान सामा खरे. अच्छा, शादी के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? मैं किचन में काफी वक्त टाइम लग गया, उसके पहले मैं सोता था. आज की सहजन की सब्जी का जो भी है वो इनको ये खत्म हो गया. ड्रॉप उनसे बोला था लेने को, लिया नहीं तुमने? ले लेंगे. आज की सहजन की सब्जी जैसी भी बनेगी उसका क्रेडिट इनको जाएगा, क्योंकि ये बनाने वाले हैं यूट्यूब से देख देख के. फाइनली आप यूट्यूब से देख के बनाओ या किसी भी चीज़ से, आपको मदद की ज़रूरत तो पड़ती ही है. तो अभी इन्होंने मुझे किचन में इसलिए बुलाया है कि आके देख लो मसाला जो पीसना है उसमें क्या क्या डालूँ. काली सरसों, पीली सरसों नहीं होता है, सरसों सरसों होता है. काली सरसों का डाल रही है. और ये सबसे बात, ये इसकी क्वान्टिटी बहुत कम है लहसुन की, ये थोड़ा और जाएगा नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा. मसाले में हम ठंडा मसाला यानी कि कच्चा मसाला भी जिसको कहते हैं उससे बना रहे हैं. तो बेसिकली इसमें जाएगी सरसों, पीली या काली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं. तो हमारे पास अवेलेबल है इस समय पीली सरसों, को हम डालेंगे पीली सरसों. लहसुन, लहसुन थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि उसका टेस्ट आए. आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो आप वो भी डाल सकते हैं. हमारे पास भी है पेस्ट, हमारे पास भी है, पर लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालेंगे फिर भी आप थोड़ी सी कच्ची लहसुन की कलियां जरूर उसमें लें. और साथ में जाएगा टमाटर, और टमाटर लहसुन मिर्चा पीली सरसों थोड़ी सी एक चम्मच, इसको पीस करके एक पेस्ट बनाएंगे और फिर वही मसाला बनेगा. मतलब सुबह सुबह कैसे आप इतना मुंह पोछ करके एकदम नहाई हुई लग रही है, जो कि आपको 3 दिन से रहना है. जो बोलने की भी एक सीमा होती है. सीमा मुंह में होती है. आदमी तो मैं अच्छी लगती हूँ ना, तो इस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है. मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई बिना नहाए धोए कैसे इतना अच्छा लग रहा है. झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. ओ मोशे क्या कर रही हो मेरी बेटी? आटा चाट रही है तुम्हारी बेटी. मानो तुम थोड़ी सी मैनर्ड हो जाओ प्लीज. तुमने कहा मैनर्ड जाओ के लिए. भाई रिचा क्या है यार, तुम उसको मैनर्ड बोलियो के लिए. ये देखिए इनका मुंह, ये कच्चा आटा खा रही है. मुंह देखिए इनका, नहीं करते बेटा. नो बेटा, इट इज अ बिग नो बेटा. नो ला यार, दो बाबा क्या पीसना है? दो हमको चना नहीं, हम मटर और वो बनाएंगे. तो पीसना क्या पहले वो दो बता तो दिए. मैं आटा भी तब तक गूंथ लेती हूँ ताकि सब रोटियों का भी हो जाए. बात क्या है ना, जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो प्रिजर्व करके रखा रहता है, तो फ्लेवर जो आपका फ्रेश लहसुन पीसने पे आता है वो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कम आता है. तो आपका थोड़ा सा रहता है ना, तो बना करके रखा गया है इसलिए. और अपन भी फ्रिज में रखते हैं उसको. कितना डाले कि मैंने सब्जी सहजन और आलू फ्राई कर लिया.
मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है। फ्राई कर ले या फ्राई करने फ्राई करने जा रहा हूँ। मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है वो इसलिए ना क्योंकि जब मैं पहले शादी नहीं हुई थी और मैं अकेले सिंगल रहता था उस वक्त मैं अपने रूममेट के साथ जिसके साथ भी रहा हूँ तो खाना यूजुअली मैंने ही बनाया क्योंकि मेरे को अक्सर रूममेट कमजोर मिले हैं, अच्छे मिले हैं बट कमजोर मिले हैं। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को पसंद है तो इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, नथिंग टू वरी अबाउट। ये मैंने सहजन और आलू फ्राई कर लिया है हल्का फुल्का आधा आधा, प्लास्टिक की डलिया में रखा है, जलती नहीं है वो, ऑल्दो काफ़ी सस्टेनेबल है। बाकी फिर से हल्का सा ऑयल गर्म करूँगा, बाकी चीज़ें वीज़ें डालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। थोड़ा किचन फैला है बट डोंट माइंड। मिर्ची और प्याज मैंने डाल दिया है, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिर्ची प्याज बोलिए जो आपने ये पेस्ट बनाया है, दिस वन टमाटर और उसका सरसों का वो डाल दीजिए, बाद में बाहर निकल रहे हैं यार, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है यार। तो डाल दीजिए मस्त, उसके बाद पहले आलू डाल दीजिए क्योंकि आलू थोड़ी टाइट होती है, ऐसे तो फ्राई हो गई ज़्यादा नहीं रहेगी। और उसके बाद मस्त सैजन डाल के, सैजन यार लोकल भाषा है, मैं बताऊँ मुनगा कहते हैं, मुनगा सैजन वैजन सब आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, मुनगा कहते हैं, मुनगा ये सब आजमगढ़ साइड बोला जाता है, छोटे जिलों में सैजन एंड ऑल। उसी छोटे जिले वाली ले आकर के इनका घर चल रहा है। चलो चलो ज्यादा फटे यू डोंट नो। बस इसी में आलू डालेगा, आलू गलेगा, सैजन डालेगा, सैजन गलेगा और फिर घी डाल के मैं पेट में डाल लूंगा ब्रो। तो फाइनली ये है सब्जी और वाकई बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत यम लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। और बस लास्ट में आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए और ढक कर के रख दीजिए। मैं भाग गई। मारो कैसा लग रहा है? ओह चक्कर से तो पता चला कि नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मस्त बना यार। अरे हम आपका मालिश कर रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट देंगे। मेरी वीडियो देखते हो? हाँ देखते हैं आपकी वीडियो। मेरी वीडियो पे लाइक शेयर फॉलो किए हो? आपके लाइक शेयर फॉलो किए हैं ना, ये देखिए ना, ये देखिए क्या देखिए, ये देखिए ये देखिए ना, पूरा किए हैं ना। ये लो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट, बच्चे के लिए गिफ्ट, बच्चे के लिए गिफ्ट, दूध की बोतल दे रही है वो भी आधी भरी हुई, वो मेरा बच्चा देखो हाथी उठा के घूम रहा है। आपको लग रहा होगा ये हम क्या कर रहे हैं, हम दो काम कर रहे हैं। पहले तो ये मेरे बालों में तेल लगा रहे हैं, तेल लगाना बालों में बहुत ज़रूरी भाई। पहले मेरा रूटीन होता था बालों में ऐसे कि तेल लगाना है फिर भले उसको वॉश कर दो, अब तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने आज से सोचा है ये बात कि मैं वापस से वो रिजीम फॉलो करूँगी। और दूसरा जो आपने अभी देखा वो पता है क्या है, एक इंस्टा पे आज मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, उसमें एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा आता है एक आंटी के पास, बोलता है आंटी मेरी वाइफ के लिए साड़ी दे दो। नहीं मुझे वो चाहिए, लिपस्टिक चाहिए। हाँ तो लिपस्टिक ठीक है ले लो, तो मुझे गिफ्ट भी दो। तो गिफ्ट क्या होता है, पहले तुम लाइक शेयर किए कि नहीं मेरा वीडियो को, हाँ किए हैं जी दिखाओ। तो जैसे वो दिखाती है तो उसके तरफ जो रिकॉर्डिंग करे वो कहती है हाँ इसने तो बेल आइकन भी दबाया, इसने बेल आइकन भी दबाया है। तो कहती है ठीक है तब तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट ये लो अपनी बीवी के लिए हार ले जाओ। पीछे से निकाल के फेंकते ये लो मैं अपनी बीवी के लिए हार ले जाओ। उसके वीडियो पे आप मानेंगे उसके उस वीडियो पे 7000 लाइक्स हैं, ऑलमोस्ट 7000 लाइक, और फॉलोवर उसके 14.1K हैं। कंटेंट की तो बात मत करो, लोग कुछ भी डाल रहे हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे थे, हम उसके कंटेंट को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं। अच्छा बुरा नहीं है, हम अगर ये आप सोच बोलो कि वैल्यू एडिशन कंटेंट नहीं है तो वैल्यू एडिशन नहीं, पर कुछ भी ऐसा नहीं जो इन्फॉर्मेटिव हो। यार दिन में तो खाना पीना खा करके हम दोनों माँ बेटी सो गए थे, जब तक कि है ना मालूम, इसमें बता दो, हम लोग सो गए थे, हम दोनों सो गए थे। फिर उसके बाद उठी है, फिर क्या किया हम लोग, फिर हम लोग गए हैं, उठी हैं ये, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा पनीर खिलाया है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपने काम किए, थोड़ा अभी हम और मानू जा रहे हैं डैडी को सरप्राइज देने। Bravo, and that is the masterpiece.
और ये है मास्टरपीस की क्वीन, तुरंत मुंह खोल लेती पुलकी के नाम पे, तुरंत मास्टरपीस के नाम पे फुलकी खोल मुंह खोल लेती है, फट देसी नहीं, जितनी बड़ी फुलकी हो उसके लिए छोटी है, और कौर अगर बड़ा से बना के दे दीजिए, अरे 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 मैं कैसे खाऊं, ओ इतना बड़ा कौन खिलाता है यार। मालूम है अगर इसकी वो है ना बहुत सारे बीटेक पानी पूरी और फलाना, अगर मैं इनका भी साफ सुथरा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इनको मालिश वालिश करके सुलाएंगे। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओप्स, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्लडी हेल पॉइजनस, वो तो दिल ही जान रहा है। बड़ी हेल।